Dear students, assalamu alaikum. Today is 24th July 2020, Friday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the solved exercises of past perfect continuous tense, as well as we will revise MCQs from summer vacation homework related to this tense. My lecture is for 9th P1, N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem in queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook, as well as grammar and composition, and revised past perfect tense and completed its solved exercises. Today we will revise past perfect continuous tense and discuss its exercises from grammar and composition. Before starting the exercises, we will overview the previous lecture. In the previous lecture, we read about tense, what is meant by tense, and how many tenses are there. There are three tenses: present, past and future tenses. Present means haal ya maujooda waqt, past means maazi ya guzra hua waqt, and future means mustaqbil ya aane wala waqt. Tenses means zamane, tense means time, zamana ya waqt. As we have discussed different aspects of present, past and future, if we focused on past tense, then there are four aspects: simple past or past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. I hope students you have learnt and revised past perfect very well. So let's move to the next aspect of past tense. Past perfect continuous tense, फेल माजी मुकम्मल जारी. Past जिसका मतलब है माजी, perfect मुकम्मल को कहते हैं. Continuous आपको पता है कि जारी होता है इसका मतलब, and tense means ज़माना. इसको past perfect continuous tense इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई काम एक हद तक मुकम्मल हो जाए लेकिन अभी भी continue हो, जारी हो, तो उसे हम मुकम्मल जारी कहते हैं. अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि एक ख़ास मुद्दत या वक्त तक जो काम मुकम्मल हो जाता है और फिर जारी है माजी में ही, ठीक है, तो इसे हम फेल माजी मुकम्मल जारी कहते हैं. हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिटेल लेक्चर जो है वो डिस्कस किया था. प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा कि इसके यूजेज के बारे में, इसके जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस थी ग्रामर एंड कंपोजिशन पे, वो हमने जो है वो वन बाय वन हर एक सेंटेंस जो है वो डिस्कस किया था. उसको आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन भी किया होगा यकीनन. तो आप अब जैसा कि अब आपके जितने भी नेक्स्ट लेक्चर्स हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि टेंसेस से रिलेटेड ही हैं. चूँकि हमारी जो टेक्स्ट बुक का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो आपने अपनी जो नोटबुक जिस पे आपने टेंसेस किए थे वो आपने बेटा अपनी खोल लेनी है अपने सामने इन लेक्चर्स को सुनते हुए ध्यान से, ताकि आपका अगर कोई भी कॉन्सेप्ट का जो कोई भी पॉइंट है वो मिसिंग है ये लिखते हुए, तो आप उसको जो है वो प्रॉपरली अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है. वैसे तो तब आपने डिटेल में जो है इसके यूजेज के बारे में, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं उनके बारे में पढ़ा था, उनको नोट डाउन किया था, ठीक है. वो आपने यकीनन अब लेक्चर सुनते हुए उसको अपने सामने रखना है, तो आपको मज़ीद जो है वो रिवाइज भी हो जाएगा ये सारा काम और अच्छे तरीके से तैयार भी हो जाएगा. आज के लेक्चर में आपको पता है कि लिखने वाला काम कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट पूरे वीक में आपका पास जो है वो लिखने वाला कोई भी रिटन वर्क नहीं है, सिर्फ आपने इन सारे टेंसेस को प्रॉपरली रिवाइज करना है, ठीक है. तो फिर इनफ टाइम है, ये नहीं है कि अब इंग्लिश का काम जो है वो रिटन डायरी आपकी कोई नहीं है तो आप जो है वो इंग्लिश को प्रॉपरली टाइम ना दें, बल्कि ऐसा नहीं है. जो टाइम आप रिटन वर्क में यूटिलाइज़ करते थे वही टाइम आपने याद करने वाला जो आपका टाइम था उसके साथ मिला के इसको इनफ टाइम टेंसेस को देना है, ताकि आपकी सही तरह से कंप्लीट तैयारी हो जाए, आपकी प्रॉपर कमांड हो जाए टेंसेस पे. आप जब स्कूल वापस आए इंशाल्लाह तो आप टेंसेस में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ठीक है. तो इसमें जैसा कि हमने इसके यूजेज के बारे में अभी बात की है कि जब भी कोई काम किसी हद तक मुकम्मल हो जाए और अभी भी जारी हो, ठीक है, तो उसको हम जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं, और माजी में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा. ये हो गया इसका यूजेज. हम जो है वो इसमें मुद्दत और वक्त का जिक्र देखते हैं. इसके स्ट्रक्चर को आपने अपनी नोटबुक में लिखा होगा यकीनन. अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस
पॉजिटिव का साइन जहाँ पे आप देते हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस जहाँ पे आप मनफी का साइन आपने स्लाइड में देखा था, यानी वो फिकरा जिसमें नहीं का इस्तेमाल आ जाता है, और सवालिया फिकरे वो हैं हमारे पास जो के हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और उनके आखिर पे क्वेश्चन मार्क भी आता है, जो कि आसानी से हम इनको पहचान लेते हैं। फिर इसी तरह से बड़े सवालिया फिक्रे जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें क्यों, कब, कहाँ, कैसे वगैरह आता है। ठीक है, इसकी उर्दू की पहचान की अगर हम बात करें तो स्लाइड में जैसे कि आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ, किस टेंस के फिकरात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, लेकिन ये इनफ पहचान नहीं है। आपको पता है रहा था, रही थी, रहे थे जो है वो आपका पास्ट कंटिन्यूस में भी आता है। इसके साथ साथ आपका मुकर्रा वक्त या मुद्दत का होना बेहद ज़रूरी है। उसमें जो है वो मुद्दत या वक्त कुछ इस तरह से होगी कि 2 घंटे से, 2 साल से, 2 दिन से, 5 मिनट से, शाम से, सुबह से, ठीक है, कल से, या दोपहर से, ठीक है, सोमवार से, इस तरह के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल होंगे रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह के साथ। अब यहाँ पे लिखा हुआ जैसे 2 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही थी, ये टेंस अब यूजेज है इसका कि ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो गुज़िश्ता ज़माने में कुछ वक्त या मुद्दत तक होता रहा था, जैसा वो 2 घंटे से गाना गा रहा था। इस टेंस में हम मुकर्रा मुद्दत यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं, और मुकर्रा वक्त जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं। सिंस और फॉर का इस्तेमाल मैंने वाज़ह अंदाज में आपको जो है वो तीनों परफेक्ट जो कंटिन्यूस टेंस थे उनमें बताया था बकायदा स्लाइड की फॉर्म में, कि सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम यानी जिस पॉइंट से वो टाइम शुरू हुआ है, और पीरियड ऑफ टाइम आपको पता है दौरानिया होता है। तो सिंस के लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक आपको जो है वो बातें बताई थी कि ये 5 से 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मोस्टली आपके लेवल पे डिस्कस किए जाते हैं सिंस के लिए, ठीक है, और तकरीबन उन्हीं में से जो है वो आपके पास आपके लेवल पे जो है वो पेपर में सेंटेंसेस आते हैं, जिनमें मैंने आपको बताया था कि सिंस के साथ अगर आपको किसी भी सेंटेंस में जो है वो राउंड द क्लॉक टाइम नज़र आए, राउंड द क्लॉक यानी कि क्लॉक के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर आपको जो है वो नेम ऑफ द डे नज़र आए, अगर आपको नेम ऑफ द मंथ नज़र आए, अगर आप नेम ऑफ द ईयर मेंशन हो, ठीक है, अगर आपको नेम ऑफ द सीज़न मेंशन हो, या पार्ट ऑफ द डे यानी कि अगर आपको लिखा हो इस तरह से कि सोमवार से, ठीक है, या लिखा हो मई से, ठीक है, या लिखा हो कि 1986 से, ठीक है, या फिर लिखा हो कि दोपहर से यानी पार्ट ऑफ द डे दोपहर से, नेम ऑफ सीज़न हो मौसम बहार से, मौसम गर्मा से, तो इन 6 पॉइंट्स के साथ आप अपने जहन में रखें। वैसे ये अकेले सिर्फ यही 6 पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, ये मैं सिर्फ आपके लेवल की बात कर रही हूँ कि आपके लेवल पे मोस्टली इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, इसलिए आपके लिए याद रखना आसान हो जाता है इन पॉइंट्स को। इनके साथ हमने सिंस का इस्तेमाल करना होता है, बाकी जो है वो पीरियड ऑफ टाइम तो दुरानिया आपने याद रखना है फोर के इस्तेमाल के साथ। मुस्बत फिकरात में अगर हम देखें तो अंग्रेज़ी के मुस्बत फिकरे में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं, स्ट्रक्चर्स की बात की जा रही है अब, फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ किया इसमें, हैड बीन, चूँकि पास्ट है तो हैड बीन का इस्तेमाल किया, वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है जिसके साथ हमने सिंस या फॉर का इस्तेमाल करके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कंप्लीट कर लेना है। फॉर एग्जांपल, शाम से इट हैड बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, इसमें आपने देखा है कि पार्ट ऑफ द डे का जिक्र है शाम का, ठीक है, तो इसलिए इसके साथ हमने सिंस का इस्तेमाल किया, और सब्जेक्ट जो है वो चूँकि हैपनिंग है, वेदर का जिक्र है, इसलिए इट का इस्तेमाल हम करेंगे। हैड बीन आपका जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing हमने यूज़ की है। मैं 2 साल से इस मकान में रह रहा था, आई हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 ईयर्स, ये फोर का इस्तेमाल बताया गया है आपको। इसी तरह से जो मनफी फिकरात हैं उनमें देखें आपके जो नहीं वाले फिकरे हैं मनफी फिकरात, उसमें हम हैड के बाद नॉट पुट करते हैं, जैसा कि इस टेंस के फिकरों को नेगेटिव बनाने के लिए हैड के बाद नॉट लगाते हैं। परिंदे 2 दिन से हवा में नहीं उड़ रहे थे, परिंदे, ठीक है, बर्ड्स नहीं उड़ रहे थे, हैड नॉट बीन फ्लाइंग, ठीक है, हैड के बाद नॉट लगाना है और फिर बीन लगाएंगे, ठीक है। स्प्लिट करके हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया है, फिर आपकी उड़ने की इंग्लिश फ्लाई, ing का इस्तेमाल किया, हवा में इन द एयर 2 दिन से फॉर 2 डेज, 2 घंटों से मूसलाधार बारिश नहीं हो रही थी, इट हैड नॉट बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बहुत तेज़ बारिश को कहते हैं कैट्स एंड डॉग, फॉर 2
आर्स, ठीक है। उसके बाद है बेटा आपके सवालिया फिकरात, ठीक है। सवालिया फिकरात में आप देखें कि इस टेंस के फिक्रों को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम हैड को फिक्रे के सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं और फिक्रे के आखिर में सवालिया इलामन लगाते हैं। इस तरह फिक्रा जो है वो सवालिया बन जाता है। जैसा कि हमने देखा कि सब्जेक्ट से पहले हैड आपको नज़र आ रहा है, बीन आपने सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई एन जी पुट करने के बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कम्प्लीट करेंगे विद सिंस और फॉर। फिर है डबल सवालिया के लिए हाउ, वाई, वेयर, वैन एंड विच वगैरह को सादा फिक्रों के शुरू में लिखते हैं। मीन्स जैसे हम सवालिया फिक्रा बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन फ़र्क क्या है कि सिर्फ हमने क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखने के बाद हमने हेड पुट किया, फिर जिस तरह से बाकी सवालिया फिक्रा कम्प्लीट करते हैं, सब्जेक्ट, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आई एन जी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और हमने वक्त या मुद्दत का जिक्र कर लिया। फिर एंड पे हमने सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क पुट करना है। लाइक बच्चा एक घंटे से कैसे रो रहा था, हाउ हैड द बेबी बीन वीपिंग फॉर एन आर क्वेश्चन मार्क, ठीक हो गया। ये थी इसके जो है वो यूजेज और इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल जो है वो हमने जो पढ़ ली हुई है पहले उसके बारे में ब्रीफ सी डिस्कशन की है हमने, ठीक है। इसको आपने चेक कर लेना है, अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई पॉइंट मिस हुआ है या अगर उसका ये लेक्चर जो है वो मिस हुआ था तो अपनी नोटबुक पे इसको ज़रूर बेटा आपने नोट डाउन कर लेना है। अगर आपका ऑलरेडी अपनी नोटबुक पे आपने लिखा हुआ है ये सारा कुछ तो फिर लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपनी ग्रामर एंड कंपोजिशन खोल लें अब सबसे पहले, ठीक है। उसमें जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज वाली एक्सरसाइज हैं वहाँ पर आपको ये सॉल्व एक्सरसाइजेज नज़र आएंगी। तीनों डिफरेंट हैं, मतलब कि तीन डिफरेंट पेजेस पे हैं। अफॉर्मेटिव सेंटेंस है, फिर नेगेटिव सेंटेंस है और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ये आपने ग्रामर एंड कंपोजिशन अपने सामने खोल लेनी है, ठीक है। लिखने की ये भी आपको ज़रूरत नहीं है। वो एक घंटे से खत लिख रहा था, सबसे पहले अफॉर्मेटिव है सादा फिक्रे तो इसमें वो ही हैड बीन राइटिंग द लेटर, खत लिख रहा था, ठीक है। अब एक घंटे से तो आपके पास जो है वो मुद्दत है फॉर एन आर। लड़की 10 दिन से ये किताब पढ़ रही थी, द गर्ल हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 10 डेज। इसमें भी जो है वो 10 दिन एक जो है वो ड्यूरेशन है, इस वजह से इसलिए हमने इसके साथ फॉर पुट किया है। मैं एक माह से ये तस्वीर बना रहा था, आई हैड बीन मेकिंग दिस पिक्चर फॉर अ मंथ। मैं एक माह से आई हैड बिन मेकिंग, ठीक है। पिक्चर बनाना, ड्रॉ करना भी लिख सकते हैं, मेकिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। लोग 4 साल से तुम्हारी वतन वापसी का इंतज़ार कर रहे थे, पीपल हैड बिन वेटिंग फॉर योर रिटर्न होम फॉर 4 ईयर्स। हम 9 बजे से मैच खेल रहे थे। अब ये राउंड द क्लॉक टाइम चूँकि आ गया, इस वजह से सिंस का इस्तेमाल यहाँ पर आएगा कि वी हैड बिन प्लेइंग द मैच सिंस 9 o'clock। लड़का सोमवार से बुखार में मुब्तला था, द बॉय हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। यहाँ पे भी चूंकि आपका नेम ऑफ द डे है तो सिंस का इस्तेमाल कर लिया हमने। तुम अक्टूबर से इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, नेम ऑफ द मंथ है इसलिए सिंस का इस्तेमाल किया। यू हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस अक्टूबर। वो 1983 से इस मकान में रह रहे थे, दे हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1983। मैं 16 तारीख से दरख्त लगा रहा था, आई हैड बिन प्लांटिंग ट्रीज सिंस द 60th। सुबह से बारिश हो रही थी, यहाँ पे भी आपका जो है वो पार्ट ऑफ द डे है। सो इट हैड बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, बारिश 2 दिन से हो रही थी। इट हैड बिन रेनिंग फॉर 2 डेज, हम 3 बजे से तैर रहे थे, राउंड द क्लॉक टाइम है। वी हैड बिन स्विमिंग सिंस 3 o'clock, हम 3 घंटे से तैर रहे थे। वी हैड बिन स्विमिंग फॉर 3 आवर्स। तो मंगल से तकरीर तैयार कर रहे थे, यू हैड बिन प्रिपेयरिंग द स्पीच सिंस ट्यूजडे। तुम 5 रोज से तकरीर तैयार कर रहे थे, यू हैड बिन प्रिपेयरिंग द स्पीच फॉर 5 डेज। अब आपने इसमें देखा है कि वाज़ी अंदाज में 10 जो 10वां सेंटेंस है 10th वाला, वहाँ से 15 तक आपको वाज़िया फ़र्क दिखाया है कि सिंस कहाँ इस्तेमाल करना है, फॉर कहाँ करना है, लाइक 3 बजे से और 3 घंटे से, ठीक है। वाज़िया फ़र्क करके बताया आपको, तो जो आपने सिंस और फॉर का ख़ास तौर पे इसमें ध्यान रखना होता है। फिर हैं आपके बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस, दोस्त 20 मिनट से बातें नहीं कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हमने हैड और बीन के दरमियान में नॉट लिखना होता है, द फ्रेंड्स हैड नॉट बीन टॉकिंग फॉर 20 मिनट्स। लड़का 2 बजे से वक्त ज़ाया नहीं कर रहा था, द बॉय हैड नॉट बीन वेस्टिंग टाइम सिंस 2 o'clock। लड़कियाँ सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी,
द गर्ल्स हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, मैं दोपहर से नहीं सो रहा था, आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस नून, मजीद 3 दिन से अपना काम नहीं कर रहा था, मजीद हैड नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 डेज, आप अक्टूबर से अखबार नहीं पढ़ रहे थे, यू हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस अक्टूबर, लोग 2 घंटे से नारे नहीं लगा रहे थे, पीपल हैड नॉट बीन रेजिंग स्लोगन्स फॉर 2 आवर्स, शेर शाम से चिड़ियाघर में नहीं गर्ज रहा था, द लाइन हैड नॉट बीन रोरिंग इन द जू सिंस इवनिंग, तोता 4 दिन से बातें नहीं कर रहा था, द पैरट हैड नॉट बीन टॉकिंग फॉर 4 डेज, गरीब लकड़हारा 1 माह से दरख्त नहीं काट रहा था, द पुअर वुड कटर हैड नॉट बीन कटिंग ट्रीज फॉर 1 मंथ, मुर्गी जुमे से अंडे नहीं दे रही थी, द हैन हैड नॉट बीन लेइंग एग्स सिंस फ्राइडे, मेरा भाई 11 तारीख से इम्तिहान नहीं दे रहा था, माई ब्रदर हैड नॉट बीन टेकिंग द एग्जामिनेशन सिंस द 11th, ठीक है, इसमें स्पेसिफिक किसी मंथ की कोई तारीख भी हो तो भी आपने देखा है कि सिंस का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, मल्लाह कश्ती 3 घंटे से नहीं चला रहा था, द बोट मैन हैड नॉट बीन रोइंग द बोट फॉर 3 आवर्स, सलीम 15 मिनट से किताबें नहीं गिन रहा था, सलीम हैड नॉट बीन काउंटिंग द बुक्स फॉर 15 मिनट्स, मैं 1985 से वर्जिश नहीं करता रहा था, आई हैड नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस 1985। इसी तरह से आपकी इंट्रोगेटिव की एक्सरसाइज है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या बच्चे 1 घंटे से खेल रहे थे, हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, इसमें आपने देखा है सब्जेक्ट से पहले हैड लगाया हमने, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी और फिर फॉर या सिंस और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, लड़की 1 बजे से क्यों रो रही थी, वाई हैड द गर्ल बीन वीपिंग सिंस 1 o'clock, इसमें जो है वो क्यों का इस्तेमाल क्वेश्चन वर्ड आया है, सो सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड को ट्रांसलेट किया, देन जो है वो सारा स्ट्रक्चर आपका सवालिया फिकरा जैसा ही रहेगा। क्या तुम इस मकान में जुलाई से रह रहे थे, हैड यू बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जुलाई, वो कब से आपके पास ठहरा हुआ था, सिंस वेन हैड ही बीन स्टेइंग विद यू, इसमें जब आपको इनडेफिनेट टाइम हो यानी वाजिया आपको नहीं बताया गया वक्त का, तो तब आप जो है वो वेन का इस्तेमाल जब करते हैं तो सिंस आप वेन के साथ ही इस्तेमाल कर लेंगे शुरू में यानी के। क्या खिलाड़ी 40 मिनट से खेल रहे थे, हैड द प्लेयर्स बीन प्लेइंग फॉर 40 मिनट्स, तुम 2 घंटे से कहाँ आवारागर्दी करते रहे थे, वेयर हैड यू बीन वॉन्डरिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वो 10 मिनट से फूल सूंघता रहा था, हैड ही बीन स्मेलिंग फ्लावर्स फॉर 10 मिनट्स, तालिब इलम कब से नकल करता रहा था, सिंस वेन हैड द स्टूडेंट्स बीन कॉपिंग, आपने यहाँ पर भी देखा इनडेफिनेट टाइम है तो वेन का इस्तेमाल है, सिंस इस यहाँ पर भी हमने वेन के साथ इस्तेमाल कर लिया। आदमी 5 मिनट से क्यों तालियां बजाते रहे थे, वाई हैड द पीपल बीन क्लैपिंग फॉर 5 मिनट्स, क्या कोपे माँ K2 पे मई से चढ़ते रहे थे, हैड द माउंटेनियर्स बीन क्लाइंबिंग K2 सिंस मे, तुम्हारा दोस्त तुम्हें 1 हफ्ते से क्यों धोखा देता रहा था, वाई हैड योर फ्रेंड बीन चीटिंग यू फॉर अ वीक, क्या कुत्ते 6 बजे से खरगोश का पीछा करते रहे थे, हैड द हाउंड्स बीन चेजिंग द रैबिट सिंस 6 o'clock, वो 1981 से खजाना कहाँ दफन करते रहे थे, वेयर हैड दे बीन बाइंग द ट्रेयर सिंस 1981, क्या तुम्हारा दोस्त कई घंटों से शेखे बिगाड़ता रहा था, हैड योर फ्रेंड बीन बूस्टिंग फॉर मैनी आवर्स, क्या तुम इस असामी के लिए मार्च से दरख्वास्तें देते रहे थे, हैड यू बीन अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट सिंस मार्च, ठीक हो गया। ये आपकी थी 3 एक्सरसाइजेज आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन पे जो लिखी गई थी, आपने इनके साथ साथ बेटा अपनी समर वेकेशन होमवर्क जो आपका पैक है एकेडमिक जर्नल उसमें देखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड यानी हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी के इस्तेमाल के साथ कौन से एमसीक्यूज़ हैं, उनको आपने बेटा अच्छे तरीके से देख के फिर आपने जो है वो उनकी रिवीजन कर लेनी है जितने एमसीक्यूज़ हम कर चुके हैं उनकी। इसके साथ साथ लेटर नंबर 8 आज आपकी डायरी में है जिसको आपने रिवाइज़ करना है, उसके पैटर्न को, उसकी बॉडी को प्रॉपरली, लिखने वाला चूंकि कोई भी काम नहीं है आपका तो आपने कोशिश करनी है कि इसको लिख के याद कर लें। इसके साथ साथ बेटा डायरी है आपके पास, ग्रामर का ही हमने काम किया है सारा, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, और इसके साथ वर्ब मैंने आपको कहा है कि रिवाइज़ कर लेने हैं एकेडमिक जर्नल से आपने, इससे रिलेटेड, इस टेंस से रिलेटेड, और लेटर नंबर 8 को भी आपने प्रॉपरली जो है वो याद करके इसको लिख के देख लेना है। आपको पता है कि आपके जो ये एक्सरसाइजेज हैं सॉल्वड एक्सरसाइजेज ये उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी कि आपकी अनसॉल्वड एक्सरसाइजेज, ठीक है, तो अभी चूंकि आपके पास टाइम है प्रॉपर तो आप इनको याद कर सकते हैं, अच्छे से आपने बेटा इनकी तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स,
अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे।